कोरबा की प्रशांति वृद्धा आश्रम में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासंघ महिला प्रकोष्ठ ने अपने नियमित कार्यक्रमों के तहत सर्वमंगला मंदिर स्थित प्रशांति वृद्धा आश्रम में रह रहे बुजुर्ग महिला और पुरुषों को तेल, साबुन और खाद्य सामग्री का वितरण किया। महिला प्रकोष्ठ ने सामग्री वितरण के साथ सभी का हाल चाल जाना और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्ष उषा पांडे ने बताया कि महिला प्रकोष्ठ द्वारा पिछले 4 वर्षों से नियमित वृद्धाश्रम में बुजुर्गों को खाद्य सामग्री के साथ दिनचर्या के सामान दिए जाते हैं। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में हम लोग सभी बहनें यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जितने बुजुर्ग हैं उनको खाद्य वितरण करने के लिए। हम लोग 4-5 साल हो गया यहाँ पर जुड़े हुए, 4 साल हो गया। कुछ खाने की जरूरत के सामान है उनकी, जैसे खाने में मकर संक्रांति उपलक्ष्य में लड्डू है और मुर्रा है, जो लगाने का साबुन है और तेल है, ये सब वितरण किया है। जो जरूरत है उनकी, रोजमर्रा की जरूरत की सामान। आज हम सभी राष्ट्रीय ब्राह्मण महिला संघ की महिलाएं यहाँ वृद्धाश्रम में एकत्रित हुए हैं। मकर संक्रांति के शुभ उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ खाद्य सामग्री बुजुर्गों को वितरित किए हैं। मीडिया फोर सपोर्ट के लिए रामकुमार यादव की रिपोर्ट।